iPhone 16 गाइस लॉन्च हो चुका है, लेकिन अब बारी है iPhone 17 के बारे में बात करने की। ऑलमोस्ट 2 महीने निकल चुके हैं 16 को अच्छे तरीके से यूज के, लेकिन इससे बेटर एप्पल क्या करने वाला अगले साल, वो डिस्कस हम लोग जो है करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दो। सबसे पहली चीज, 4 मॉडल्स एप्पल हर साल रिलीज करता है, लेकिन इस बार जो 4 मॉडल्स होंगे उसमें हमको iPhone 17 प्लस देखने के लिए नहीं मिलेगा। एप्पल एक नया वेरियंट को इंट्रोड्यूस करने वाला है और iPhone 17 प्लस को एलिमिनेट करने वाला है, मतलब कि 17, 17 प्रो, 17 प्रो मैक्स एंड एक लास्ट में आएगा 17 एयर या फिर 17 स्लिम। अभी नेमिंग डिसाइड नहीं की गई है। तो इस बार जो है ये 4 मॉडल्स एक्सपेक्टेड है एंड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है। आपने रिसेंटली देखा होगा कि एप्पल ने जो आईपैड है वो बिल्कुल पतले पतले बिल्कुल थिन निकाले हैं, मैक मिनी निकाला बिल्कुल छोटा निकाला। तो एप्पल जो है चीजों को छोटा करने की तरफ बढ़ रहा है। एंड सेम वे अगर मैं आईफोन की भी बात करूं तो आईफोन जो है बहुत ज्यादा स्लिम होने वाले हैं। iPhone 17, 17 Pro, Pro Max और स्लिम, ये चारों वेरिएंट्स को एप्पल जो है स्लिम करने वाला है और जो लास्ट वाला वेरिएंट रहेगा वो बड़ा भी रहेगा और स्लिम भी रहेगा। तो ये जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बढ़ते हैं आगे डिजाइन एंड लुक की तरफ। तो यहाँ पे जो है टाइटेनियम और एल्यूमिनियम जो एप्पल यूज करता हुआ आ रहा है वही एप्पल जो है यूज करने वाला है, लेकिन iPhone 17 में आपको कंप्लीटली रीडिजाइन देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं iPhone 17 के साथ। यहाँ पे कैमरा वाइज जो iPhone 16 में आपको देखने के लिए मिलता है सेम देखने के लिए मिलेगा, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि जो स्क्रीन साइज है वो 6.1 इंचेस से 6.3 इंचेस एप्पल कर दे। एंड उसका क्या रीजन है वो एग्जैक्टली नहीं पता। 6.2 ऑलमोस्ट है बट एप्पल जो है 6.3 इसको करना चाहता है, जो हम लोगों को प्रो में देखने के लिए मिला था आई गेस 11 प्रो में, तो वो सेम चीज यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड है। बाकी 17 प्रो और 17 प्रो मैक्स जो है वो सेम रहने वाले हैं, अगेन 6.3 इंचेस और 6.9 इंचेस जो एप्पल ने अभी 16 प्रो मैक्स में किया। लेकिन जो 17 स्लिम या फिर एयर होने वाला है वो होगा अराउंड 6.6 इंचेस का फोन, मतलब कि ना ज्यादा बड़ा होगा और ना ज्यादा छोटा होगा, एक परफेक्ट साइज एप्पल जो है निकालने वाला है। और एक, इसको एक हाई वर्जन के नाम पे एप्पल पुश करने वाला है, बिकॉज एक अच्छा साइज मिलेगा, पतला डिवाइस होने वाला है और तो और आपको बहुत अच्छा एक डिजाइन देखने के लिए मिलेगा कैमराज में। अब अगर मैं बात करूं बाकी 3 मॉडल्स की, तो यहाँ पे रीलोकेशन ऑफ कैमराज हम लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। एक्सपेक्टेड है कि तीनों मॉडल्स जो है वो यहाँ पे आपको डिफरेंट कैमरा मॉड्यूल देखने के लिए मिलेगा, जैसा आपको गूगल पिक्सल में देखने के लिए मिलता है, मतलब कि पहले एक कैमरा फिर दूसरा कैमरा फिर तीसरा कैमरा, ऐसे वर्टिकल में नहीं होगा। अब आपको पूरा हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन जो है कैमरा का देखने के लिए मिल सकता है एंड तीनों मॉडल्स में ये चीज एक्सपेक्टेड है। हो सकता है कि अगर स्लिम एप्पल मतलब 2 ही निकालता है लेंसेज तो पॉसिबिलिटी है कि वो आईफोन 16 जैसा हो, बट हाँ बाकी 2 मॉडल्स में जो है आपको डिफरेंट यहाँ पे जो है कैमरा ओरिएंटेशन देखने के लिए मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फाइनली प्रो मॉडल्स का जो कैमरा लेआउट है वो चेंज होने वाला है और जो प्रो मॉडल्स रहने वाले हैं उसका डायनेमिक आइलैंड को एप्पल करने वाला है श्रिंक। मतलब अभी का जो हम लोगों को डायनेमिक आइलैंड देखने के लिए मिलता है वो थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा अनोइंग है, तो प्रो मॉडल्स में आपको जो है ये श्रिंक होकर देखने के लिए मिलने वाला है। एंड एप्पल ट्राई कर रहा है कि फोन को छोटा बनाओ, जो भी हार्डवेयर कॉम्पोनेंट्स है उसको और छोटे से छोटा करते जाओ ताकि आपको बेटर व्यूइंग एक्सपीरियंस देखने के लिए मिले। तो ये जो है मेन चेंजेस रहने वाले हैं। अगर मैं डिजाइन की बात करूं, भी टू अर्ली है ज्यादा डिटेल में जाना कि क्या कलर होगा, एग्जैक्टली क्या पोजीशन होगी कैमरास की, ये मैं आपको जो है मेन लीक्स बता रहा हूं जो होने वाले हैं। और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जिसका बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं इतने टाइम से, वो है 120Hz एंड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, जो आपको दोनों ही मॉडल्स में देखने के लिए मिलेंगे, मतलब कि iPhone 17 एंड iPhone 17 प्लस आएगा या स्लिम आएगा, मतलब चारों मॉडल्स अब आने वाले हैं 120Hz प्रोमोशन डिस्प्ले के साथ। अगर 120Hz आ रहा है तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी आएगा। तो फाइनली एक अच्छी चीज है कि एप्पल अब 60Hz को एलिमिनेट कर देगा, डिच कर देगा और 120Hz सभी फोन्स पे देखने के लिए मिलेगा। ऐसा नहीं है 90Hz आएगा, नहीं आएगा 90Hz, 120Hz चारों मॉडल्स पे देखने के लिए मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डिस्प्ले की। डिस्प्ले में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एप्पल जो है स्क्रीन साइज इंक्रीज करने वाला है, लेकिन साथ ही साथ यहां पे एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग और एंटी रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिलने वाली है। नए वाले मैकबुक जो लॉन्च हुए हैं ना उसमें आप नोटिस करना, आपको बिल्कुल भी रिफ्लेक्शन या वो मिरर इमेज देखने के लिए नहीं मिलेगी। सेम चीज सैमसंग अपने फोन्स में कर चुका है, S23 अल्ट्रा, S24 अल्ट्रा में भी सैमसंग ने ये चीज करी है एंड अब एप्पल भी जो है अपनी डिस्प्लेज में ये चीज कर रहा है, ऑब्वियसली सैमसंग या LG की तरफ से ही आती है। तो यहाँ पे जो है एंटी रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले देखने के लिए मिलने वाली है। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया डायनेमिक आइलैंड को एप्पल जो है छोटा करने वाला है, श्रिंक करने वाला है सिर्फ प्रो मॉडल्स में, ताकि बेटर व्यूइंग एक्सपीरियंस आपको देखने के लिए मिले। बढ़ते हैं भाई आगे परफॉर्मेंस की तरफ, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। TSMC वर्क कर रहा है 2 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर पे, जो कि होगा एप्पल का A19 प्रो चिप। A19 प्रो रहेगा प्रो मॉडल्स के लिए और A19 रहेगा iPhone 17 के लिए या 17 स्लिम के लिए। ये बड़ी कंफ्यूजन है अभी कि प्लस को रिप्लेस करेगा स्लिम या प्रो रिप्लेस करेगा प्लस को, ये बड़ा अभी जो है कंफ्यूजन वाली चीज है। बट यस, आपको 2 प्रोसेसर देखने के लिए मिलेंगे, एक A19 एक A19 प्रो, दोनों जो है पावर
कॉम्पैक्ट होने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पे रैम की बात करूँ तो प्रो मॉडल्स में आपको देखने के लिए मिलेगी 12GB रैम, और नॉर्मल जो हमारे नॉन प्रो मॉडल्स उसमें आपको मिलेगी यहाँ पे 8GB रैम, जो कि सेम रहेगी अभी, बिकॉज एप्पल इंटेलिजेंस के लिए मिनिमम 8GB रैम जो है रिक्वायर्ड है, तो 8GB तो रहेगी, बट यस 12GB रहने वाली है प्रो मॉडल्स पे, जो कि काफी ज्यादा पावर एफिशिएंट और यू नो आपको परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल देखने के लिए मिलेगी। आईफोन 17 पहला डिवाइस होगा जिसमें एप्पल का खुद का डिजाइन 5G मॉडेम होगा, एंड इसके लिए एप्पल जो है बहुत टाइम से काम कर रहा है, फाइनली आईफोन 17 सीरीज में हमको ये देखने के लिए मिलेगा। और तो और आपका यहाँ पे जो आईफोन 17 है उसमें आपको बैटरीज जो है वो बिल्कुल सेम देखने के लिए मिलने वाली है एज कम्पेयर टू आईफोन 16। बस एक बड़ा डिफरेंस ये होगा कि जो आईफोन 17 की बैटरीज है वो और अच्छे तरीके से आप जो है रिपेयर कर पाओगे, रिप्लेस कर पाओगे, मतलब पहले जो है एप्पल की बैटरीज को रिप्लेस करना डिफिकल्ट होता था, लेकिन विद आईफोन 17 वो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। एंड अगर मैं लास्ट चीज की बात करूं जो कि होने वाला है यहाँ पे प्राइसिंग, तो प्राइसिंग ऑलमोस्ट सेम रहेगी, जो 17 स्लिम है उसके चांसेस है कि प्राइस इंक्रीज हो जाए, बट उसके अलावा यहाँ पे जो है आपको सेम प्राइसिंग देखने के लिए मिलने वाली है। एंड एक चीज मैंने मिस कर दी वो है कैमराज, तो कैमराज फ्रंट आपको जो कैमरा जो देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा 24 मेगापिक्सल का प्रो मॉडल्स में विद 6 एलिमेंट्स ऑफ लेंसेज, तो ये जो एक बड़ा अपग्रेड रहेगा 12 मेगापिक्सल से 24 मेगापिक्सल जाने वाले हैं। एंड जो 17 प्रो मैक्स रहेगा या फिर जो हाईएस्ट यू नो एंड वेरिएंट होगा वो आपको तीनों कैमरास 48 मेगापिक्सल के देखने के लिए मिलेंगे, मतलब मेन कैमरा, अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो तीनों आपको जो है 48 मेगापिक्सल के देखने के लिए मिलेंगे, तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है आईफोन 17 स्पेशली डिजाइन पार्ट की तरफ से, बिकॉज एप्पल जो है स्लिम कर रहा है फोन्स को और कैमरास रिलोकेट कर रहा है। आप लोगों के क्या व्यूज, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।